वी आर डूइंग दिस सेंटेंसेस। हिंदी में क्लास है, ये हिंदी में वीडियो है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, और हिंदी तो सभी को आती है, हम इंडियंस हैं तो समझना सबको आता है, तो हिंदी से ही समझेंगे हम, हिंदी से जर्मन में पढ़ेंगे। ये कुछ सेंटेंसेस है, ये सेंटेंस आप देख रहे हो किस तरह से हिंदी में, क्या क्या तुम आ रहे हो, क्या वह आ रहा है, क्या सब जा रहे हैं, क्या तुम खा रहे हो, क्या क्या वाले सेंटेंस। तो जर्मन में कैसे बनाते हैं, वर्ब से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, इस तरह के सेंटेंस हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब को हम फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट प्लेस पे वर्ब लिखेंगे। अभी हम देखेंगे एग्जांपल, पूरे सेंटेंस है, इनके साथ हम सीखेंगे, ठीक है। क्या तो मतलब वर्ब, जो भी वर्ब होगी हम पहले हम वर्ब को पहचानेंगे, उसको फिर हम लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इज एम आर या डू, जैसे इज ही कमिंग, आर दे गोइंग, डू दे कमिंग, डू दे कम, विल ही कम, इज ही ईटिंग, डज ही लर्न, आर दे गोइंग, सो आर डू डज, आर इज एम, और प्लूरल है तो डू और डज, ये इंग्लिश में इससे स्टार्ट होते हैं, और जर्मन में वर्ब से स्टार्ट होंगे, तो ये ठीक है। बट हम जर्मन में सीख रहे हैं तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, हम इससे स्टार्ट करेंगे। चलो देखेंगे सेंटेंस, क्या वह आ रहा है, क्या वह आ रहा है, तो यहाँ पे आने के लिए कौन सी वर्ब हो रही है, आने के लिए इस्तेमाल, आना मतलब कम, कम, तो क्या वह आ रहा है, इज ही कमिंग, इज ही कमिंग, तो वर्ब क्या है, कॉमन, तो कॉमन कॉम्ट एर, बस कॉम्ट एर, क्या वह आ रहा है, इज ही कमिंग, कॉम्ट एर, क्योंकि वर्ब है कॉमन, कॉमन, तो एर के साथ क्या होता है, एर हो, जी हो, ठीक है, एस हो, तो यहाँ पे वर्ब को हम टी पे एंड करते हैं, तो क्या लिख देंगे हम, ई एन को हटा के हम लिख देंगे यहाँ पे कॉम्ट, ये हमने सीखा है, कॉम्ट, कॉम्ट एर, देखो बन गया ना कॉम्ट एर, तो ई एन को कट कर दिया, क्योंकि हमें रूट वर्ब चाहिए, रूट, रूट क्या है, कॉम, ये इतना रूट है, बेसिक हमें रूट चाहिए, उसके हिसाब से फिर हम पर्सन, ही और शी, वह मतलब एर, और लड़की है तो आ रही है, अगर यहाँ पे होता आ रही है, क्या वह आ रही है, इसका मतलब लड़की की बात कर रहे हैं, इज शी कमिंग, बट ये लड़का है, क्या वह आ रहा है, इज ही कमिंग, तो लड़का है तो एर, ठीक है, मतलब ये ही और ये शी, ये इट, इस तरह से ही शी इट, तो काउंट है, बस ये फिनिश। सेकंड सेंटेंस देखो, क्या तुम खेलोगे, वही दोबारा से कॉन्सेप्ट, पहले वर्ब देखें, क्या तुम खेलोगे, तो क्या तुम खेलोगे, एक तो मैं तुम बोल रहा हूँ इनफॉर्मल, आप नहीं बोल रहा, क्या तुम खेलोगे, तो जर्मन में दो तरह के होते हैं तुम, फॉर्मल इनफॉर्मल, तुम और आप, मतलब तुम और आप, यू बोलने के दो तरीके, तुम और आप, तो यहाँ पे कि तुम है, क्या तुम खेलोगे, हैं, इसका मतलब ये कि एक से ज़्यादा लोग हैं, क्या तू खेलेगा, ये होता तो एक व्यक्ति था, क्या तुम खेलोगे, मतलब एक से ज़्यादा है, तो सबसे पहले देख लेते तुम क्या है, ये दू और ये ईयर, देखो जन्म, तू दू क्या है, क्या तू खेलेगा, तो ये दू होता, बट ये नहीं है, क्या तुम खेलोगे, तो ये ईयर है, क्या तुम खेलोगे, ठीक है, ईयर हो गए पहली बात, तो ये वर्ब क्या, खेलना, स्पीलन, तो ईयर के साथ क्या बनेगा, स्पील्ट, स्पीलन है, तो यहां पे हम इसको हटा देंगे, ये हमारी रूट है, रूट को हम लेंगे स्पील, जैसे यहां पे लिया था कॉम, तो क्या बनेगा, स्पील्ट, तो वर्ब से स्टार्ट करेंगे, स्पील्ट एर, स्पील्ट ईयर, स्पील्ट ईयर मतलब क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, दो तीन लोग हैं, हम पूछ रहे हैं क्या तुम भी खेलोगे, क्या तुम खेलोगे, स्पील्ट ईयर, ईयर समझ गए, दो नहीं है, चलिए, तो एक ही कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं लैंग्वेज को ना, तो इसलिए मैंने सोचा हिंदी में आपको पढ़ाना है आपसे, और हिंदी में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ये आप भी देखना वीडियोस देखने के बाद, जिन लोगों को हिंदी अच्छे से आती है वो जर्मन अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इंग्लिश नहीं आती मुझे तो क्या मैं जर्मन सीख सकता हूँ, बिल्कुल सीख सकते हो, जर्मन सीखने के लिए इंग्लिश कोई ज़रूरी नहीं है, देखो हम हिंदी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो और रोज़ देखना क्लास, तो क्या तुम खेलोगे, हो गया स्पील्ट ईयर,
बट यहाँ पे एस कैपिटल कर देंगे क्योंकि फर्स्ट लेटर है एस कैपिटल, ठीक है। स्पील टीयर ये हो गया, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। स्पील टीयर, क्या तुम खेलोगे। थर्ड, क्या आप काम करोगे। क्या आप काम करोगे, आप। अब देखो यहाँ पे क्या आप, अब यहाँ पे मतलब हम क्या लेंगे। अब देखो आप के लिए क्या होता है, जी, जी होता है आप, और दू होता है तू, तू, तो हम यहाँ पे आप। क्या आप काम करोगे, तो काम करना क्या होता है, आरबाइटन, तो आरबाइटन जी, आरबाइटन जी। अब देखो इसका मतलब क्या है, क्या आप काम करोगे या क्या आप काम करते हो, क्या आप काम कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, क्या आप काम करोगे, क्या आप काम कर रहे हो, या क्या आप काम करते हो, ठीक है, सबका मतलब यही है। आरबाइटन जी, फ्यूचर नहीं लिख रहे हम, सिंपल सेंटेंस को भी हम इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। आरबाइटन जी, आर यू वर्किंग, डू यू वर्क, विल यू वर्क। लेकिन मैंने क्या काम करोगे, चलो आपके मन में सवाल होगा कि हम इसको फ्यूचर क्यों नहीं बना सकते, फ्यूचर बना लेते हैं, कोई बात नहीं, बाकी इतना लिखोगे ये भी ठीक है। तो फ्यूचर में हमें फिर एक वर्ड यूज करनी पड़ेगी, वैडन जी आरबाइटन, वैडन जी, वैडन मतलब हम गा गे गी जब आता है ना, जैसे गा गे गी एंड में होता है, जैसे जाएगा करोगे, तो वैडन जी आरबाइटन ये होगा, क्या आप काम करोगे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जब एंड में गा गे गी आएगा तो हम इसको लिखते हैं, क्या आप काम करोगे, वैडन जी आरबाइटन, या फिर आरबाइटन जी, मेरे हिसाब से ये वाला सही है, दोनों में अप्लाई होगा, ठीक है। क्या आप काम करोगे, क्या आप काम कर रहे हो, क्या आप काम करते हो, समझ आ रहा है। इस तरह से हम सेंटेंस बना रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में देखना, सारी वीडियो दोबारा समझ नहीं आएगी तो दोबारा देख लेना, चैनल पे अवेलेबल रहेगी वीडियो, ठीक है, तो आपकी हेल्प के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, क्या वह आज जाएगा, क्या वह आज जाएगा, फिर दोबारा वैडम भी लिख सकते हैं हम, क्या वह आज जाएगा, तो यहाँ पे जाना वर्ब है, जाना, जाना, और वह मतलब लड़का है, क्या वह जाएगा, अगर जाएगी होता तो लड़की, तो क्या वह आज जाएगा, तो सब क्या है, तो वर्ब से स्टार्ट करेंगे, तो गेट एर, और दूसरा क्या होगा, वेड एर गेन, दोनों में लिख रहा हूँ, आपकी चॉइस है, दोनों दोनों लिख सकते हो आप, वेड एर गेन, क्या वह जाएगा। अब यहाँ पे वर्ब क्या थी, गेन वर्ब है ना, एक बता देता हूँ, गेन, देखो गेन वर्ब होती है, तो यहाँ पे इसको हमने कट कर देंगे, ठीक है, ये रूट लेंगे गे, तो गे और फिर टी लगाती है, गेट, गेट एर, और वैडन की फॉर्म एर के साथ वीड होती है, ये वैडन की फॉर्म कॉन्जुगेशन आपको सीखनी पड़ेगी अगर फ्यूचर में आना है, गा गेगी, लेकिन मैं प्रेजेंट सिंपल को ही फ्यूचर में एक कंसीडर कर रहा हूँ, वो हम करते हुए जर्मन में सिंपल सेंटेंस होता है उसको प्रेजेंट फ्यूचर में कंसीडर कर सकते हैं, क्या तुम आ रहे हो या क्या तुम आओगे, ठीक है, कॉमन जी और वैडन जी कॉमन, तो ये टोन के ऊपर डिपेंड करता है, टोन, क्या आप आओगे, वैडन जी कॉमन, या, ठीक है, तो इस तरह से। नेक्स्ट देख लेते, तो हम वैडन वाले नहीं, हम सिंपल वर्ब को यूज़ कर रहे हैं, तो वर्ब हम पहले पोजीशन पे लिख रहे हैं, गेट एर, तो गेन वर्ब था गेट एर, क्या तुम उसकी दोस्त हो, क्या तुम उसकी दोस्त हो, मतलब लड़की से हम बात कर रहे हैं, क्या तुम उसकी दोस्त हो, तो जी आएगा, लड़की के लिए जी होता है ना, लड़का होगा तो एर और लड़की होगा तो छोटा जी, ये ही और ये शी, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, ये दो चीज़ें, तो अभी हम जी बोल रहे हैं, क्या तुम उसकी दोस्त हो, होना, अब होना है, हो, होना, तो यहाँ पे वर्ब होती है जाइन, इसको बोलते हैं जाइन वर्ब, क्या मतलब होता है, टू बी, कोई भी चीज़ का होना, एग्जिस्टेंस होना, तो क्या तुम उसकी दोस्त हो, तुम, तो जिंड जी ईयर ए फ्रेंडिन, या जिंड जी जाइने फ्रेंडिन, क्या तुम उसकी दोस्त हो, तो लड़का है तो हमने यहाँ पे लिख दिया जिंड जी जाइने फ्रेंडिन, आर यू हिज फ्रेंड, आर यू हिज फ्रेंड, क्या तुम उस लड़के की दोस्त हो, ये बोलना चाह रहे,
और लड़की है तो जिम जी ईयर ए फ्रॉइंडिन, क्योंकि लड़की है ना, लड़की है दोस्त हो तो फ्रॉइंडिन आएगा, क्या तुम उसकी माता रहते करो, उसकी मतलब लड़की से हम बात करें तो यहाँ पे हमें इसको इससे पता चलेगा कि लड़की के लिए यूज़ हो रहा है, ये जी के लिए हो रहा है, क्या तुम उसकी दोस्त हो, जिन जी ईयर ए फ्रॉइंडिन। तो यहाँ पे हम जो तुम लिखते हैं ना, ये हम एक्चुअली दू वाली फॉर्म ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरा दू फॉर्म में बनाएंगे, हम दू फॉर्म में, हिंदी में दू फॉर्म को तुम बोलते हैं ज़्यादातर ना, तो बिस्ट दू, बिस्ट दू मतलब आर यू, क्या तुम उसकी फ्रेंड हो, तो बिस्ट दू जाइन ए फ्रेंडिन ये, ठीक। तुम बिस्ट फॉर्म करेंगे, क्या तुम, जिंड की जरूरत नहीं है, जिंड होता तो आप लिखते, क्या आप उसकी दोस्त हो, हम यहाँ पे बोल रहे तुम, तो तुम को हम बिस्ट से कंसिडर करेंगे, बिस्ट दू जाइन ए फ्रेंडिन, बिस्ट दू ईयर ए फ्रेंडिन, है ना। तो इस तरह से बनेगा, या मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, चलिए यहाँ से इरेज कर देता हूँ, नीचे वाले आप पढ़ते रहो इतने, ऊपर से फिर दोबारा से लिखते हैं, यहीं से लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से गेंद वाला हटा देता हूँ। चलो, क्या वह तुम्हारे पिता हैं, क्या वह तुम्हारे पिता हैं, तो पिता मतलब कोई मेल है, एर देखो, क्या वह तुम्हारे पिता हैं, इस्ट तो हैं, है तो मतलब जाइन वाली वर्ब, इज एम आर जाइन वर्ब होती है जर्मनी, तो इस्ट एर दाइन फाटर, क्या वह तुम्हारे पिता हैं, इस्ट एर दाइन फाटर, अगर होता क्या वह तुम्हारी माता हैं, क्या वो तुम्हारी माँ हैं, इज शी योर मदर, तो क्या होता है यहाँ पे, इस्ट जी दाइने मुटर, इस्ट सी दाइने मुटर, क्या वे तुम्हारी माँ है, दाइने, ठीक है, मदर है तो ई, फादर के साथ कुछ नहीं आएगा, मदर में तो ई आएगा, इस्ट सी दाइने मुटर, क्या वे तुम्हारी माता हैं, बट क्वेश्चन है क्या वे तुम्हारे पिता हैं, इस्ट एर दाइन फादर, और लास्ट क्या सभी लोग गा रहे हैं, सिंग गाना, क्या सभी लोग गा रहे हैं, अब यहाँ पे वर्ब है गाना, सिंग जिंगन, सेम इंग्लिश में बोलते हैं जिंग सिंग, तो जब उन्हें जिंगन वर्ब हो जाएगा गाना, क्या सभी गा रहे हैं, देखो तो वर्ब आएगा जिंगन अल, बस जिंगन अल, क्या सभी गा रहे हैं, आल मतलब सभी, क्या सभी गा रहे हैं, जिंगन आल, क्या सभी गा रहे हैं जिंगन आल, तो आंसर या। अब इनके आंसर कैसे होंगे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो पहले इनको देख लो, समझ आ गया, क्या सभी गा रहे हैं जिंगन आल, सभी लोग हैं, क्या सभी लोग जिंगन आल, ठीक है, हाँ लोग हैं सभी, जिंगन आल लॉयट, देखो जिंगन आल लॉयट लोग, या फिर जिंगन अल मेंशन, मेंशन और लॉयटर दोनों यूज़ करते हैं, जिंगन अल लॉयटर, जिंगन अल मेंशन, क्या सभी लोग गा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। देखोगे इस तरह के सेंटेंस हमने किस तरह से बनाए, पूरे एक बार ध्यान से देखोगे, सारे सेंटेंसेस यहाँ पे हिंदी में वाइट कलर से और यहाँ पे जर्मन में देख रहे हो आप येलो कलर से, तो इस तरह से, तो आप कमेंट करके बताना, पिछली वीडियो पे बहुत अच्छा फीडबैक मिला था आपका, कल जो वीडियो मैंने पोस्ट करी थी, तो इसलिए दूसरी वीडियो भी है, इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी, और अपने कमेंट लगातार देते रहो, फीडबैक देते रहो, कैसी लग रही आपको ये क्लास, तो इस तरह की वीडियोस और बनती रहेंगी आपके लिए, इससे आप जर्मन सीखोगे, एक नया एक्सपीरियंस है, तो मेरे को लगता है इससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हो, तो देखो बिल्कुल आसान तरीका ये भी, और उनके लिए बहुत अच्छा है जो लोगों को प्रॉब्लम है अंग्रेजी में, तो जर्मन सीखने के लिए पहले अंग्रेजी सीखो, नहीं सीधा जर्मन को सीखो, हिंदी से, ये हमारा टास्क है। चलिए, थैंक यू सो मच।